हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू. मैं हूं प्रशांत मापानी. आई होप यू आर डूइंग गुड. आज 9th दिसंबर है, दिन है संडे एंड आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉइंग योर संडे. आज का जो कोट है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. द मोस्ट वर्थ वाइल थिंग इज टू ट्राई टू पुट हैप्पीनेस इनटू द लाइव्स ऑफ अदर्स. इसका मतलब ये है कि अगर कोई सार्थक, सबसे सार्थक अगर कोई चीज़ जो हम कर सकते हैं तो वो ये है कि दूसरों के जीवन में हम खुशियाँ भरें. इसी के साथ हमारे पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज जो हैं इनके ऊपर फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. इसकी जो वैलिडिटी है ये है 12th दिसंबर तक. ये सेल्स 12th दिसंबर तक चलेगा. तो प्लीज़ विजिट studyiq.com टू फाइंड आउट मोर अबाउट आवर पेन ड्राइव एंड एंड्रॉयड कोर्सेज. डियर फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ. आपको पता है कि संडेज जो हैं आपको एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स और ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं. तो आज का जो वर्जन होता है ये बहुत ही एक लीन वर्जन. लीन वर्जन का मतलब ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आइटम्स होती हैं उसके बारे में बात करते हैं. और एटलीस्ट आपके लिए एक ऐसा टॉपिक मैं लेकर आता हूँ जो टॉपिक हमें पूरे वीक में द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ने को नहीं मिला था. इसी के साथ साथ ये जो टॉपिक होता है वो ऐसा टॉपिक होता है कि अगर आप अपना सिलेबस जो हैं और पास्ट पेपर्स, ये दो चीज़ अगर आप स्टडी करते हैं, अगर नहीं करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ सिलेबस को अच्छी तरीके से समझिए. राइट, इसको आपको एक ऐसी जगह पर रखना है जिससे आप इसको बार बार देख सकें. जैसे कि आपके आपका अगर कोई टेबल है, स्टडी टेबल, और उसके अगर ऊपर कोई ग्लास आपने रखा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो उसके नीचे भी आप ये जो सिलेबस की जो प्रिंट्स होती हैं उसको रख सकते हैं ताकि आप उसको बार बार देख सकें. या फिर अपनी दीवार के ऊपर इसको यू नो लगा सकते हैं. तो डू समथिंग लाइक दैट, कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालिए ताकि सिलेबस जो है उसको आप बार बार देखें. और सिर्फ ऐसा नहीं है कि रखना है, यू हैव टू रीड इट एज वेल. इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप भी है आप कह सकते हैं, कि जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तब आपको, मान लीजिए आप आज एक न्यूज़ आइटम ऐसी है जो बुद्धिज़्म के साथ जुड़ी हुई है. अब अगर आप सिलेबस को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इंडिया और नेबरहुड रिलेशनशिप हैं, फिर भारत का कल्चर है, एंशियंट हिस्ट्री है हमारी, राइट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जियो पॉलिटिक्स हैं. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स जो हैं सिलेबस में दिए गए हैं उन सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट हो, यू नो, ये जो टॉपिक है वो कनेक्ट हो रहा है, ये जो एक न्यूज़ आइटम है वो. तो इसी तरीके से ये जो पास्ट पेपर्स आप देखेंगे या फिर इस प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें जो हैं धीरे धीरे आपको क्लियर होने लगेगी. ये जो कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे. तो आज का जो टॉपिक है वो इसी प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये होता है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट, प्राइवेट यानी कि प्राइवेट कंपनी, और पार्टनरशिप का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जब एक पार्टनरशिप होती है तो उसको कहते हैं PPP प्रोजेक्ट या फिर PPP मॉडल. PPP मॉडल जो है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट जो है, राइट, इनकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं. यानी कि अगर किसी प्रोजेक्ट का क्लियरेंस करना है, डिसीजन लेना है, ज़मीन अगर कहीं पर खाली करवानी है, यू नो, ऐसे कोई सॉल्यूशंस लाने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट करेगी. और प्राइवेट कंपनीज जो हैं इनका जो एक तरीका होता है काम करने का, प्रोजेक्ट्स को टाइम पर ख़त्म कर देते हैं, तो ये सारी स्ट्रेंथ जो हैं ये प्राइवेट कंपनीज़ की होती हैं. तो इनकी स्ट्रेंथ गवर्नमेंट की और प्राइवेट कंपनी की स्ट्रेंथ जब मिल जाए तो चीज़ें जो होती हैं उसको हम और अच्छी तरीके से कर सकते हैं. तो इसीलिए PPP मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया था या फिर किया गया है या फिर इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं. अब एक तो हो गया ये PPP और आज हम बात करने वाले हैं रोड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के बारे में. अब मुझे पता है कि आप सब जो हैं ये एक चीज़ तो जानते ही हैं कि रोड्स जो हैं एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसके बिना डेवलपमेंट के बारे में हम सोच भी नहीं सकते. तो रोड के प्रोजेक्ट्स जब डिले हो जाते हैं, और आपको पता होगा अगर आप रेगुलरली इस लेक्चर को फॉलो करते हैं, तो इसी वीक में हमने एक टॉपिक के बारे में, इकोनॉमिक या फिर हम कह सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे थे, और एक चिंता जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने तो जितना इन्वेस्टमेंट करना था इस साल का जो भी बजट था गवर्नमेंट का कि भाई इतना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, तो लगभग उतना पैसा तो गवर्नमेंट ने इंजेक्ट कर दिया है. अब प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है, वो थोड़ी यू नो सोच विचार कर रही है,
पैसे हैं लेकिन इंजेक्ट नहीं किए जाते, तो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती है, निवेश करना नहीं चाहती है प्राइवेट कंपनीज, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? खास करके रोड डेवलपमेंट की बात करें, जिनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करोड़ों रुपए के होते हैं, और इसकी जो इम्पैक्ट होती है, रिपल इफेक्ट जो कहते हैं, कि एक बार यहाँ पर एक रोड बन गया तो उसके बाद ये पूरा जो एरिया है, या फिर दो सिटीज़ जो हैं, मान लीजिए मुंबई और दिल्ली, और इनके बीच में अगर एक अच्छा रोड बना दिया तो कितने छोटे छोटे गांव, कितने शहर हैं, सबको कुछ ना कुछ काम मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा सबका, इसनेट। तो रोड प्रोजेक्ट्स ही अगर डिले हो जाए या फिर बंद हो जाए या फिर कंपनीज इसमें इन्वेस्ट नहीं करती हैं, तो ये पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। अब डेवलपमेंट जो है रोड का, राइट, उसके पीछे या फिर किसी भी रोड नेटवर्क के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि समय के ऊपर और जितना आपने कॉस्ट तैयार या फिर एक प्रोजेक्ट किया है कि ये जो रोड है वो 100 रुपये में तैयार हो जाएगा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये समय पर पूरा हो जाए। 100 रुपये में ये रोड एक साल में फॉर एग्जांपल ख़त्म हो जाएगा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक साल में 100 रुपये का रोड जो है वो ख़त्म हो जाए, वरना डेढ़ साल अगर होगा तो फिर 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा फॉर एग्जांपल इसके ऊपर यू नो लग जाएंगे, और उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है वो तो चला जाएगा, और पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका जो मेन बेनिफिट आपको उठाना था वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। भारत को देखें आप, PPP मॉडल, खास करके रोड डेवलपमेंट में भारत सरकार ने, भारत ने, हमारे देश ने, अलग अलग स्टेट्स ने भी PPP मॉडल को अपनाया है, और दुनिया के सबसे ज़्यादा अगर आपको PPP प्रोजेक्ट्स खास करके रोड सेक्टर में अगर कहीं पर देखने को मिलते हैं तो वो है हमारे देश में, भारत में। फिलहाल कुछ 560 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल, ये जो रोड प्रोजेक्ट्स, ये PPP रोड प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। टोटल लेंथ जो है इसकी है 45,000 किलोमीटर अप्रोक्स, और एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट जो इसमें लगेगा वो है 2 लाख करोड़ रुपीज़। तो आप सोचिए, दुनिया के सबसे ग्लोबली राइट लार्जेस्ट अगर कोई PPP मॉडल के ऊपर रोड बना रहा है तो वो है हमारा देश भारत, और भारत सरकार, और इसके साथ साथ अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स भी। अब हमारे जो रोड्स हैं, रोड के प्रोजेक्ट हैं, उसमें दो प्रकार की कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है। एक जो कैटेगरी है उसमें ये होता है कि आपका जो मॉडल है PPP मॉडल है, लेकिन जो जो आप अप्रोच जो है आपका प्रोजेक्ट किस प्रकार का होगा, तो वो होगा एक टोल प्रोजेक्ट। हम सब ने टोल पे किया है, अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करते हैं तो रोड के ऊपर यू नो टोल पे करते हैं, टोल टैक्स पे करते हैं। तो एक ये होता है टोल, जिसमें जो डेवलपर हैं, जो प्राइवेट कंपनी जो हैं, वो आपका रोड तैयार कर देगी, उसके बाद कुछ सालों के लिए वो टोल कलेक्ट करेगी, और जो टोल कलेक्शन में पैसे आएंगे उसी से ही इस प्राइवेट कंपनी को अपने जो इन्वेस्ट किए हैं पैसे, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें उनको वापस मिलेगी। दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसमें होती है एन्यूटी। एन्यूटी में एक बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज में अगर बताऊँ, आपको ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी भाई एन्यूटी की डेफिनेशन दीजिए, नो, आपको तो इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है। एन्यूटी में ये होता है कि मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट को बनाया, एक रोड को बनाया, तो गवर्नमेंट जो है वो आपको कहेगी कि आप इतना रोड 1 किलोमीटर बनाएंगे तो आपको 100 रुपये देंगे, आप दूसरा 1 किलोमीटर ख़त्म करेंगे तो फिर आपको 100 रुपये, तो ऐसे करके अगर आपको 5 किलोमीटर का रोड बनाना है, जब आप ख़त्म कर देंगे राइट, तब आपको ये जो पैसे हैं 500 रुपीज़ आपको दिए जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट यू नो इसके ऊपर टोल लगाए, जो भी कुछ करे वो गवर्नमेंट का बिजनेस है, आपका यहाँ पर जो काम है वो ख़त्म हो गया, ये जो पार्टनरशिप है, ये प्रोजेक्ट के लिए जो पार्टनरशिप थी वो ख़त्म हो गई, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से एक एन्यूटी का प्रोजेक्ट होता है। अब 75% जितने भी रोड के PPP जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो PPP प्रोजेक्ट्स हैं, 75% बेग यू पार्डन 75% जो भी रोड के PPP प्रोजेक्ट्स हैं वो टोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, टोल मॉडल के ऊपर काम करते हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनी जो है, जो रोड डेवलपर हैं, वो टोल कलेक्ट करते हैं। अब इसके ऊपर भी कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। जो एक बेसिक डिफरेंस है ये टोल और एन्यूटी प्रोजेक्ट में, वो ये है कि रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन इसका अलग रहता है। आपको पता है कि एक रोड जो है वो आपने, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, तो इसमें आपको कितना गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, क्या होगा, ये चीज़ आपको नहीं देखनी है, आपको तो बस टाइम के ऊपर रोड ख़त्म कर देना है। तो नेचुरली आपका जो रिस्क है वो यहाँ पर कम हो गया है, आपको पता है कि इतने टाइम में आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, जॉब इज़ डन। तो यहाँ पर रिस्क कम रहता है एन्यूटी प्रोजेक्ट्स में, इसमें आपको रिस्क कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, तो वैसे भी आपको पता है कि सारी चीज़ें अगर टाइम पर सही तरीके से ख़त्म की गई तो फिर आपको पैसे मिल जाएंगे। थोड़ा टाइम यहाँ वहाँ लग सकता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग पैसे मिल जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये जो टोल वाले हैं, टोल वाला जो ये एक
मॉडल हैं, तो इसमें यह है कि आप रिस्क कैलकुलेट करते हैं. रिस्क कैलकुलेट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आपने 100 करोड़ रुपए का कोई रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट ख़त्म किया है या फिर करने वाले हैं और 10 सालों का आपने फॉर एग्जांपल एक रखा है कि 10 सालों में इतना, मान लीजिए कि इतनी गाड़ियाँ रोज़ यहाँ से निकलेगी और इतने पैसे हर रोज़ आपको मिलेंगे, तो ये जो 100 करोड़ रुपए हैं वो आपको इतने सालों में मिल जाएंगे और 10 सालों में आप, 10 सालों के लिए अगर आपको परमिशन दी जाती है कि यहाँ पर आप टोल कलेक्ट कर पाएंगे तो फिर इतने करोड़ रुपए आपको मिलेंगे. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं. तो नेचुरली ये जो टोल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका जो रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. और प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, राइट, उनका मेन पर्पस तो यही होता है कि प्रॉफिट जो है सबसे ज़्यादा कमाया जाए. और इसमें बुरी भी कोई चीज़ नहीं है, वो रोड बनाते हैं, मेहनत करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं. अब पीपीपी मॉडल जो है उसका एक दूसरा, राइट, एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है, खास करके रोड्स में, कि प्राइवेट जो सेक्टर है इसका जो कैपिटल है वो एट्रैक्ट किया जाए, उसको मार्केट में लाया जाए, इसका कुछ उपयोग किया जाए. क्योंकि अगर सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट ही करती रहेगी तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहेंगे दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए. गवर्नमेंट को अपने जो पैसे हैं वो कितनी सारी चीज़ों में, गरीबी हटाने के लिए, फिर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, डिफेंस के लिए, स्पेस के लिए, सरकार को चलाने के लिए, कितनी सारी चीज़ों में गवर्नमेंट को पैसे यूज़ करने पड़ते हैं. अगर दूसरे किसी व्यक्ति की या फिर प्राइवेट कंपनी के माध्यम से अगर किसी चीज़ को किया जा सकता है तो क्यों ना किया जाए. तो ये एक फिलोसॉफी है पीपीपी या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इन सारे प्रोजेक्ट्स में अट्रैक्ट करने के लिए, ये भी एक मेन एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर काम करता है. अब ये जो टोल प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप जो एन्यूटी वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका डिस्टेंस और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है, बहुत सिंपल रहते हैं कंपेयर टू टोल प्रोजेक्ट्स. टोल प्रोजेक्ट्स जो हैं ये एक लंबे स्ट्रेच के लिए होते हहैं, बड़े बड़े रोड्स जो हैं, एक 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इतने लंबे लंबे रोड्स. इसी के साथ साथ इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, कई जगह पर आपको कुछ ब्रिजेस बनाने हैं, कहीं जगह पर ऐसे जो हमने पहली तस्वीर देखी थी ऐसे बड़े बड़े सर्कल्स हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादातर हमें टोल वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमें देखने को मिलता है. अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, पर यूनिट प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें, तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनानी है, ऐसा हमें लगता है कि इसमें ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन आपके पास ट्रक्स इतने हैं, JCBs इतने हैं, दूसरे रोड रोलर्स और ये सारी चीज़ें होती हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, तो फिर ओवरऑल जो पर यूनिट 1 किलोमीटर रोड अगर आप टोल प्रोजेक्ट के तहत बना रहे हैं और एन्यूटी के तहत बना रहे हैं तो टोल प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा किफ़ायती रहेगा एक कंपनी के लिए. कम पैसों में ये बनाया जा सकता है क्योंकि आप एक एक साथ आप मिट्टी खरीद लेंगे, एक साथ आप कोल टार और ये सारी चीज़ें खरीदेंगे, तो फिर सारी चीज़ें होलसेल प्राइस में ज़्यादातर आपको मिलेगी, तो दैट विल क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, पैसे आपके ज़्यादा इसमें बच सकते हैं, प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम आएगा. एवरेज वैल्यू जो होती है डोमेस्टिक, एक स्टेट की स्टेट की डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो GDP है उसी प्रकार से स्टेट की GDP, तो इसको भी देखा जाता है. अगर एक डेवलप्ड स्टेट है या फिर डेवलपिंग स्टेट है तो नेचुरली उसमें इंडस्ट्री ये सारी चीज़ें ज़्यादा होगी, तो रोड का उपयोग उतना ज़्यादा होगा. तो टोल प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर हमें इस प्रकार के स्टेट्स में भी देखने को मिलते हैं. अब इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, आई एम श्योर अब बेसिक चीज़ें रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में आप काफ़ी चीज़ें जान गए हैं. अनदर थिंग इज़ हम बात कर रहे थे कि एक चिंता हमें देखने को मिलती है कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हाल में, प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहती हैं या फिर इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, तो ये एक चिंता का विषय है. और इसी चिंता को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक तीसरा मॉडल निकाला है और इसका नाम है हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल. ये जो हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल है इसमें मिक्स है, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स ऑफ बोथ, टोल भी है थोड़ा और थोड़ा एन्यूटी भी आपको मिलेगा. तो ये दोनों चीज़ों को मिक्स करने की कोशिश की है और गवर्नमेंट का ये मानना है कि इसके आने से लोग जो हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो अट्रैक्ट हो जाएगी. नाउ द मेन प्रॉब्लम इज, क्या प्रश्न यह है कि क्या इस चीज़ से हम इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि मेन जो ऑब्जेक्टिव है या फिर मेन जो रीज़न है, ऑब्जेक्टिव तो नहीं लेकिन मेन जो रीज़न है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पीपीपी मॉडल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हमें रोड में फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि इन्वेस्टमेंट रेडी नहीं रहते हैं प्रोजेक्ट्स, राइट. टोल प्रोजेक्ट्स जो हैं
इन्वेस्टमेंट रेडी नहीं होते। इन्वेस्टमेंट रेडी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने आज ये तय किया है कि इस जगह पर 100 किलोमीटर का एक रोड बनाना है, तो आप टेंडर्स मंगवाएंगे, प्राइवेट कंपनीज आएगी, कॉस्ट प्राइवेट कंपनी सारी चीज़ें कैलकुलेट करेगी कि भाई इतना टाइम लगेगा, इतना कॉस्ट होगा, ये सारी चीज़ें, इतना प्रॉफिट हमें मिल सकता है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेगी। और आज आपने कैलकुलेट करके गवर्नमेंट के पास गए और आपने कहा कि चलिए अब हम काम शुरू करने के लिए तैयार हैं, तब गवर्नमेंट जो है वो आपको सारी प्रोसेस, सारी क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें आपके पास आएगी। तब तक एक साल से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर हम एन्यूटी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें 10 महीने, यहाँ पर एक साल से भी ज़्यादा। आप सोचेंगे 2 महीनों में इतना क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 महीनों में आपके जो, आप सोचिए, आपने जितनी भी चीज़ें, आपके ट्रक्स हैं, सारी चीज़ों का मेंटेनेंस, लोग हैं और कितनी न जाने चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उसका पर मंथ आप कॉस्ट निकालिए और देखिए कि उसके बाद अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो चीज़ें और महंगी हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर दूसरी चीज़ है द ड्यूरेशन फ्रॉम रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन टू प्रोजेक्ट अवार्ड। एक प्रोजेक्ट का कोटेशन आपने मंगाया और उसके बाद जो प्रोजेक्ट आपने अवार्ड किया उसमें टोल प्रोजेक्ट्स में कुछ 14 महीने का टाइम लग जाता है, एन्यूटी में कम टाइम लगता है, यहाँ पर 4 महीनों का डिफरेंस है, लेकिन इससे भी एक ज़बरदस्त एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो एक साल ऐसा, दूसरा साल ऐसा, तो 2-3 साल ऐसे लग जाते हैं। तो इन 2-3 सालों में जो आपने एस्टिमेट किया था कि इतना कॉस्ट लगेगा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आप सोचेंगे तो फिर ज़्यादा पैसे बढ़ाकर क्यों नहीं बता देते? तो इस प्रकार तो फिर गवर्नमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी। फिर बिडर्स भी इतने ज़्यादा होते हैं, कॉम्पिटिशन भी है, ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी सारी चीज़ें कर रही है, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो कॉम्पिटिशन है। और फिर बाद में जब पता चलता है कि प्रोजेक्ट फेल हुआ तो पूरी इकोनॉमी के ऊपर एक ये एक शॉक वेव, क्योंकि बैंक्स के पैसे फंस जाएंगे, कंपनीज में बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, डेवलपमेंट का काम अधूरा रह जाएगा। तो इसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, साइड इफ़ेक्ट है, वो भी बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो बेसिक एक सॉल्यूशन है जिसके बारे में हमने बात की आज, डिस्कशन जो किया उसमें से एक चीज़ हम कह सकते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, खास करके रोड प्रोजेक्ट्स, राइट, उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सारी चीज़ें चल रही है, तो गवर्नमेंट को ये जो क्लियरेंस हैं, फिर लैंड एक्विजिशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से ही तय कर लेनी चाहिए। जब प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट आप इश्यू करते हैं या फिर टेंडर या कोटेशन मंगवाते हैं, उस टाइम पर सारे क्लियरेंसेस क्लियर होने चाहिए कि आज आपने 31 दिसंबर को आपने किसी को अवॉर्ड किया कॉन्ट्रैक्ट और वो 1 जनवरी में नेक्स्ट डे से ही वो उस काम को, उसकी शुरुआत कर सके। अगर इस प्रकार से अगर चीज़ों को किया जाए तो ये इश्यू सॉर्ट आउट हो सकता है। हाइब्रिड मॉडल जो हैं वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो हैं वो सिर्फ सिम्टम को क्योर करने की कोशिश करता है। जो मेन डिजीज़ है वो तो ये हैं कि प्रोजेक्ट्स जो हैं ये जो कहते हैं हम कि इन्वेस्टमेंट रेडी नहीं होते हैं, दिस इज़ द मेन कोर रीज़न। तो आई होप आज के इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। अब हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालते हैं, इतने ज़्यादा न्यूज़ नहीं है लेकिन जो भी हैं वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। आपको पता है कि हमारे देश में जो दलाई लामा है वो धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में, और अब दिल्ली में एक मीटिंग होने वाली थी, कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो वो शायद कैंसिल हो सकती है। और एक कर्मापा जो हैं ये इतने इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट लीडर हैं कि दलाई लामा साहब जो हैं उनके बाद शायद कर्मापा जो हैं वो उनके सक्सेसर हो सकते हैं। इस चीज़ के बारे में यहाँ पर मीटिंग होने वाली थी और कर्मापा जो हैं वो और उनकी बहन और दूसरे जो लोग हैं वो 1999 से भारत में रहते हैं, रेफ्यूजी के तौर पर यहाँ पर रहते थे। और इसी साल 2018 में कर्मापा जो हैं उन्होंने डोमिनिका नाम का एक जो देश है उनकी सिटीजनशिप उनको मिल गई है। भारत ने उनको एक कार्ड इश्यू किया था और इस कार्ड के माध्यम से वो जो हैं येलो कार्ड जो हैं वो दिया था टिबेटियंस को ताकि वो इजीली ट्रैवल कर सके। तो ये जो कार्ड हैं अब वो लौटाना चाहते हैं। सरकार ये कह रही है कि आप इस तरीके से दूसरे देश की सिटीजनशिप नहीं ले सकते और कार्ड आप ऐसा नहीं लौटा सकते। तो गवर्नमेंट इस स्टेप से नाराज़ हैं कि आपने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली। और देखिए ये मीटिंग जो कैंसिल हुई है तो ये भी कहा जाता है कि चाइना जो है, चाइना नहीं चाहता है कि दलाई लामा जो टिबेटियन, टिबेट का जो पोर्शन है वो एक
तिब्बत के लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई हम चाइना के पार्ट नहीं हैं, हम एक अलग देश हैं, और वहाँ के पॉलिटिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल लीडर जो हैं वो दलाई लामा हैं। तो दलाई लामा के ऊपर जान का खतरा था, तो फिर वो चाइना छोड़कर भारत में आ गए, भारत ने उनको यू नो रिफ्यूज दिया और वो यहाँ पर रहते हैं, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही है। लेकिन जब भी ऐसी कोई बड़ी मीटिंग होती है तब चाइना जो है वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ नहीं चाहता है। तो ये भी कहा जाता है कि चाइना ने ऐसा प्रेशर डाला है, या फिर चाइना के प्रेशर को यू नो इंडिया झेल नहीं पाया, और इसी वजह से ये जो करमापा बाहर से भारत आने वाले थे तो उनको जो है एंट्री डिनाई कर दी है। अब देखते हैं ये जो इश्यू है ये कहाँ तक आगे जाता है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी, तो ये जो मीटिंग है वो फिलहाल तो यही लग रहा है कि अब नहीं होगी। जो दूसरी भी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस होने वाली थी उसके ऊपर भी एक ग्रहण लग गया है। एक जवान जो है जिनका नाम है जितेंद्र मलिक, तो उनका अरेस्ट किया गया है। अभी हाल ही में आपने देखा कि बुलंदशहर जो उत्तर प्रदेश में है तो वहाँ पर कुछ रायट्स हुए थे, तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर की मृत्यु भी हुई थी, इंस्पेक्टर की। तो उनकी मृत्यु के पीछे इस व्यक्ति को, एक आर्मी जवान को अरेस्ट किया गया है, और पेरिस फ्रांस में प्रोटेस्ट चल रहे हैं या येलो वेस्ट प्रोटेस्ट, तो अब और ज़्यादा तीव्र हो चुके हैं ये। अब आर्मी जो हैं उनका एक स्टेटमेंट आया है कि कश्मीर में पॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं, पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल यू नो के सिविल जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, टैकल करें, ये मेन प्रायोरिटी है आर्मी की। और जब कभी भी ऐसा तनाव की सिचुएशन होती है तब डेफिनेटली आर्मी जो है वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार है, लेकिन जब थोड़ा एक शांत वातावरण हो जाता है तब आर्मी जो है वो वापस अपना जो मेन काम है वो है प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स का, राइट। हमारी जो बॉर्डर्स हैं उनकी सुरक्षा, यही आर्मी का मेन काम है, तो वो करने के लिए आर्मी जो है वापस चली जाएगी। तो धीरे धीरे जो आर्मी के ऑपरेशंस हैं वो स्केल डाउन यानी कि उसको कम करने की बात कर रहे हैं आर्मी के कुछ ऑफिसर्स। फिर हैं CWMA यानी कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तमिलनाडु जो स्टेट है इसने सुप्रीम कोर्ट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिसीजन है, डिसीजन ये है कि एस मसूद हुसैन ये CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन के जो चीफ हैं उनको कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एडिशनल चार्ज दिया गया है, और इससे स्टेट जो हैं तमिलनाडु ये नाराज़ हैं। कावेरी एक बहुत लंबा इश्यू है, इसके बारे में हमने कई बार बातचीत की है। इसी साल गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था कावेरी के ऊपर, और फिर से हमें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, तो स्टेट जो है वो नाराज़ है, तो और ज़्यादा तनाव हमें देखने को शायद मिल सकता है। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमें एडिटोरियल आर्टिकल्स कल या कुछ आने वाले टाइम में पढ़ने को मिल सकते हैं। एक गुड न्यूज़ है, क्रॉस बॉव 18 इंडियन एयरफोर्स ने एक गाइडेड वेपन फायरिंग मिसाइल को लॉन्च किया है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो इसको लॉन्च किया है। तो ये एक छोटी सी खबर है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट खबर है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जीके रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर एक चिंता का विषय है, आपको पता है कि हमारे देश में टेलकम पाउडर जो है इनका काफ़ी उपयोग किया जाता है, राइट, परफ्यूम के तौर पर या फिर यू नो एक गर्मियों से बचने के लिए, कई बार मेकअप के तौर पर, और ये सारी चीज़ें हैं, परफ्यूम का भी एक रोल प्ले करते हैं, फ्रेग्रेंस का एक रोल प्ले करते हैं ये टेलकम पाउडर्स। तो हेल्थ कैनेडा एक यू नो एक रिस्क असेसमेंट इन्होंने लॉन्च किया है, और ये जो नई एक स्टडी है उससे ये पता चलता है कि टेलकम पाउडर से हमें लंग के डिजीज़ हो सकते हैं, महिलाओं को ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है। तो ये चीज़ सामने आई है, तो ये एक चिंता का विषय है। भारत में कुछ 700 करोड़ की ये इंडस्ट्री है, तो दैट्स अ बिग थिंग। तो अब देखते हैं इसके ऊपर क्या और चीज़ें हो सकती है, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको कुछ एडिटोरियल आर्टिकल्स पढ़ने को मिल सकते हैं। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पर बन रहा है, अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान में रखिए ये किसी दूसरे देश में नहीं, हमारे ही देश में मणिपुर में। ये नोने जो है, मणिपुर नोने इज़ फेमस फॉर दिस वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज, और एक एक जो इसके पियर्स हैं, पियर्स का मतलब है जो खंभे हैं, तो इनकी हाइट रहती है 141 मीटर्स। फिलहाल दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ब्रिज कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो वो है मोंटेनेग्रो में, और CJI जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पॉटलाइट्स द लॉ ऑन डेथ पेनल्टी, वो डेथ पेनल्टी जो हैं उसको देख रहे हैं, और
ये भी शायद हो सकता है कि डेथ पेनल्टी को रिमूव किया जाए, तो अब इसके ऊपर बातचीत होगी, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के द हिंदू में। तो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज़ डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। ये है मेरा एफबी पेज और ट्विटर हैंडल जिसके ऊपर से आप आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी अर्ली मॉर्निंग। टिल देन एंजॉय योर संडे और शेयर कीजिएगा इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी। अगर आज की डिस्कशन आपको पसंद आई देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।